Hello students, my name is Ajay Sharma and I plan to teach subject in a very interesting and very different way so that even a subject like maths, which seems difficult to most students, becomes very interesting and intuitive. So ek example se start karte hain. Sabne Archimedes mahan scientist ka naam to suna hi hoga. So ek bar kya hota hai, Archimedes jis desh mein rehte hain wahan ke raja ko ek ड्रीम आता है कि ही वॉन्ट्स टू ऑफर ए क्राउन टू द देवी कुल देवी एंड ही वॉन्ट्स टू ऑफर अ रियली गुड गोल्ड क्राउन. सो ही कॉल्स द गोल्ड स्मिथ, द बेस्ट गोल्ड स्मिथ इन द कंट्री. उनको बोलते हैं कि 90 ग्राम का क्राउन मुझे चाहिए एंड आई एम गिविंग यू 110 ग्राम्स. तो तुम्हारा जो भी वेस्टेज भी हो उसके बाद भी यू हैव इनफ गोल्ड टू मेक द क्राउन. सो विद टाइम द गोल्ड स्मिथ प्रिपेयर्स अ वेरी ब्यूटिफुल क्राउन, गिव्स इट टू द किंग एंड किंग इज वेरी हैप्पी सीइंग इट. जब रात को किंग सो रहे होते तो ही गेट्स अ ड्रीम एंड ही गेट्स द इंट्यूशन दैट यू नो द देवी इज नॉट हैप्पी विद हिम. सो मॉर्निंग ही कॉल्स द गोल्ड स्मिथ, आस्क हिम इफ ही हैज प्रिपेयर्ड द क्वालिटी क्राउन, इट्स अ प्योर क्राउन एंड गोल्ड स्मिथ सेज यस. बट द किंग हैज अ डाउट इन हिज माइंड. सो व्हाट डज द किंग डू? ही कैन नॉट डायरेक्टली ब्लेम द गोल्ड स्मिथ. सो वो आर्किमिडीज को बुलाते हैं एंड ही गिव्स दिस प्रॉब्लम टू हिम दैट फाइंड आउट इफ दिस क्राउन इज प्योर और नॉट. उन दोस टाइम्स ये तो पता था कि कोई भी वस्तु है अगर वो डेंस है तो वो वॉल्यूम कम लेगी, और अगर उस सेम वेट की कोई वस्तु है वो डेंसिटी में कम है तो उसका वॉल्यूम ज़्यादा होगा. सो डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम. बट टू मेजर द वॉल्यूम ऑफ ए कॉम्प्लेक्स थिंग लाइक क्राउन वॉज नॉट नोन. सो आर्किमिडीज पोंडर्स ओवर द क्वेश्चन, थिंक्स डीप. He doesn't get an answer. And tired, he goes into his bathtub. और जैसे ही वो bathtub में लेटते हैं पानी बाहर आता है and he gets an idea. And he runs saying Eureka, Eureka. मतलब मिल गया, मुझे मिल गया. Right? So he goes to the king and he says that कल आप goldsmith को बुला लीजिए, I have an answer for the question. So goldsmith comes. What does Archimedes do? During the process to measure the authenticity of the crown is, वो 90 ग्राम का प्योर गोल्ड लेके आते हैं, और 90 ग्राम का ही क्राउन प्योर गोल्ड का आइडियली होना चाहिए, और दोनों को उस वाटर में इंसर्ट करते हैं. सो जो वॉल्यूम डिस्प्लेस हुआ क्राउन से दैट वॉज मोर कंपेयर टू द प्योर 90 गोल्ड क्राउन. दैट मीन्स डेंसिटी विच इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम ऑफ द क्राउन विच द गोल्ड स्मिथ मेड वॉज लेस. Means the crown was not pure, and hence the dream or the intuition of the king was right. So that's how Archimedes came up with such a great discovery. और उसके बाद उन्होंने इसके ऊपर बहुत सारे और you know the fundamental, it was the fundamental and he built many other equations based on this. Now coming to maths, right? Do you know maths is the most hardwired subject into the nature? You see anything around you, you see the shape of our Havan Kund, you see the shape of our finger, like there is a particular dimension of the first part, the second part, the third part. You go to any medicine shop, you need to calculate. You go to buy anything, you need to calculate. So maths is there everywhere. Lekin, phir bhi, maths se bahut sare students ko dar lagta hai. The thing which I want to do in my classes is make math really interesting. You know, how we can make math interesting is, you know, understanding what is the purpose first and then doing questions. Right? आपने जैसे न्यूटन का नाम सुना होगा, when he discovered the famous equation gravity, जब एक apple को वो देख रहे थे and the apple fell down and then he got the idea there is something pulling the apple down. In the same process he got one more idea that अगर मुझे उस एप्पल की किसी भी इंस्टेंट पे वेलोसिटी निकालनी है सो कैसे निकालेंगे. एंड एट दैट टाइम द एवरेज वेलोसिटी वॉज नॉट बट नॉट द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी. एंड दैट्स वेयर ही गॉट द आइडिया ऑफ कैलकुलस. दैट्स वेयर डिफरेंशियल कैलकुलस डील्स विद द इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज. लाइकवाइज देर आर मेनी मेनी थिंग्स इन मैथ्स. यू नो वी डू द एरिया ऑफ ए ट्राइंगल इज इक्वल टू 1/2 इंटू हाइट इंटू द बेस. We can understand it in such a way that even if you forget the formula, you can recalculate the formula by visualizing the entire thing.
similar way, you know, teaching calculus is also possible. Teaching a complex formula like e power x is equal to 1 plus x plus x square by 2 factorial plus x cube by 3 factorial is also possible. Understanding what is e, understanding what is pi, relating all the concepts and making it interesting and making it intuitive and making it easy to understand. And if you observe the pattern of many competitive exams, even including IIT, वो है कि कितना आप concepts को relate कर सकते हो, right? कितना आपका fundamental strong है, right? So अगर fundamental strong है, then we can take the higher level questions also. So in my classes, I will be dealing at the most element, the fundamental part, as well as the highest, level of questions, which as per the competitive exams, we can tackle. Whether it's IIT or it's IIT mains, advanced, or whether it's any other competitive exam. I hope you got what I, want to say, and that's why I have named my classes as Intuspire, which is intuition plus inspiration. So math is intuitive to you. Math is hardwired into you. It's just that we need to bring that intuition out to real life problems and make it interesting. So stay tuned. I will be sharing more videos, and I'm starting new batch in Bahadurgarh on September 1st, and you're welcome to join. Thank you very much.